बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है खदीजा की रसोई में। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की रसोई में हम आपके साथ शेयर करेंगे बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी। अब दिवाली का समय है, त्यौहार आ रहा है, तो तरह तरह की मिठाइयाँ तो चाहिए ही होगा, तो उन्हीं में से एक बेसन की बर्फ़ी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो ईजी रेसिपी आप इजीली बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का ज़रूर से दबाना, ताकि आप तक हमारी रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बेसन की बर्फ़ी बनाने का प्रोसेस। तो यह पैन को हमने चूल्हे पर रख दिया है, पैन गर्म है, तो इसमें हम घी डालेंगे। तो हम इसमें वनस्पति घी डाल रहे हैं, 100 ml घी फ़िलहाल अभी हम इसमें डाल रहे हैं। बाद में हमें लगेगा कम है तो हम इसमें और डाल लेंगे। आप चाहे तो इसमें देसी घी से भी बना सकते हैं, त्यौहार में बना रहे हैं मिठाई तो आप इसमें देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी को हम थोड़ा मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें बेसन डालेंगे। तो बेसन हमने 250 ग्राम लिया है, तो बेसन को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देते हैं। बेसन को हमें भूनना है इसमें, तो बेसन को कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे लो फ्लेम पर। घी में अच्छे से कोट हो जाना चाहिए, घी सेपरेट हो जाना चाहिए बेसन से, और बेसन का जो कच्चा स्मेल होता है ना वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसे हम स्लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं घी के साथ। तो यहाँ देखिए बेसन अच्छे से भुना रहा है, और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है ब्राउन कलर, और यहाँ पे थोड़ा सूखा लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ 100 ml डाला था, अभी हम 50 ml और डाल रहे हैं। तो टोटल इसमें 150 ml घी का हमने इस्तेमाल किया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो बेसन से भी खुशबू आने लगा है। तो बेसन से खुशबू आने लगता है जब ये अच्छे से भुनाने लगता है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए सब बेसन, जो एक एक दाना कोट होना चाहिए घी के साथ। तो फ्लेम को हमने लो रखा है, लो फ्लेम पर ही हम इसे भून रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। तो यहाँ जब से बेसन भुना रहा है घी में, हम दूसरे साइड चीनी को रख देंगे चाशनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम 250 ग्राम चीनी ले रहे हैं, जितना बेसन लिया है हमने उतना ही हम चीनी लेंगे। तो ये एक गिलास चीनी था, तो उसी का आधा गिलास हम यहाँ पे पानी ले रहे हैं। तो फ्लेम को हमने हाई रखा है, हाई फ्लेम पे इसे हमने रख दिया है पकने के लिए, जब तक चीनी पकता रहेगा। यहाँ दूसरे साइड हम बेसन पर भी ध्यान देते हैं, अच्छे से भून लेते हैं। तो घी देखिए इसमें से अच्छे से भुना चुका है बेसन में। इसी तरह स्पैचुला से प्रेस कर करके हमें बेसन को अच्छे से भूनना है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मलाई वाला गाढ़ा दूध, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। आप चाहे तो इसमें कंडेंस मिल्क या फिर मावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्वाद के लिए। तो अभी हमने आधा कप डाला है, तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए। तब तक हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे, तो इससे अच्छा स्वाद आ जाता है बर्फ़ी में। तो आधा कप जो था उसे भी हमने डाल दिया, तो पूरा 1 कप दूध का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बेसन में दूध अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाना चाहिए, दूध का पूरा हमें ड्राई करना है इसमें से भून के। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। तो यहाँ चाशनी को एक बार हम इसे स्टोर करेंगे वो उबाल आने तक, अभी उबाल आना बाकी है इसमें। और यहाँ पे देखिए ये बेसन भी अच्छे से भुना चुका है, दूध इसमें ड्राई हो गया है। तो हमने इसका फ्लेम बंद कर दिया है, तो फ्लेम बंद करने के बाद भी हम थोड़ा स्टरिंग करते रहेंगे, क्योंकि पैन गर्म है, एकदम से छोड़ नहीं सकते। इसके लिए हम इसे थोड़ा स्टर करते रहेंगे, ताकि टेम्परेचर सब बेसन में एक बराबर रहे। और यहाँ पे देखिए उबाल आ चुका है चाशनी में, तो हमने इसका फ्लेम लो कर दिया है, तो एक तारने तक हमें इसे पकाना है। तो इसमें हम 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रहे हैं, ताकि फ्लेवर अच्छे से आ जाए इसमें। तो इसे मिक्स करेंगे। तो बर्फ़ी में कलर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, तो फूड कलर हम इसमें यहाँ पे 1/4 teaspoon डालेंगे। आप चाहे तो इसमें केसर का धागा भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं।
तो इसे हम पकने देंगे। एक तार आने तक हमें पकाना है चाशनी को। तो इस बीच हम यहाँ पे थाली को ग्रीस कर लेंगे जिसमें हमें बर्फ़ी जमाना हो। थोड़ा सा तेल डालकर हम इसे ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहे तो ब्रश से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो हम इसे हाथों से ही ऐसे ही ग्रीस कर लेंगे। इसके साइड में भी अच्छे से तेल लगना चाहिए। आप इसे घी से भी वैसे ग्रीस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चाशनी की कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि तार इसमें बंध रहे कि नहीं। तो इस तरह उठा के ये खिंचाना चाहिए। देखिए इसमें तार बनना स्टार्ट हो रहा है, ये खिंचा रहा है। तो इसे बस हम एक से आधा मिनट और पकाएंगे, तार बनना इसमें स्टार्ट हो रहा है। तो बस एक से आधा मिनट और इसे पका लेते हैं हम। थोड़ा सा स्टोर करेंगे। तो यहाँ चाशनी देखिए हमारा तैयार हो गया है एक तार का। तो इसे हम चेक करेंगे, उठा के इसमें तार बनने लगा है अब, जैसे कि आप देख सकते हैं खींचा रहा है। तो हमारा जो एक तार का चाशनी है तैयार है। तो बस हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। इसे हम मिक्सचर में मिक्स कर देंगे बेसन के। तो पैन का फ्लेम फिलहाल हमने बंद रखा है अभी, तो इसे बंद करके हम मिक्स कर रहे हैं। पहले हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, फिर बाद में हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे। तो इसे पहले हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें चाशनी मिला रहे हैं बेसन के मिक्सचर में। तो इसे मिक्स करेंगे। तो अब हम इसका फ्लेम ऑन कर देंगे, अच्छे से मिक्स होना चाहिए मिक्सचर। तो इसका फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। तो हाई फ्लेम हमने रखा है ताकि मिक्सचर जो ठंडा हो गया है बेसन का वो थोड़ा सा तापमान पकड़ ले, गर्म हो जाए। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। ये जो दानेदार हो गया सब अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए चाशनी के साथ, बेसन के साथ। इस तरह हमें अच्छे से प्रेस कर करके चाशनी को बेसन से अच्छे से मिक्स करना है। तो चाशनी था ये भी हमने पूरा डाल दिया है। तो इसका फ्लेम हमने अभी स्लो कर दिया है, स्लो फ्लेम करके अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब मिक्सर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, स्मूथ कंसिस्टेंसी हो जाना चाहिए बेसन के मिक्सचर का। तो इस स्टेज पर अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो डालकर आप एक साथ मिक्स कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऊपर से डालना चाहते हैं तो ऊपर से डाल सकते हैं। तो हम इसमें फ़िलहाल ऊपर से डालेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे ग्रीस किए हुए थाली में, जो हमने थाली ग्रीस करके रखा था। तो इसमें सारा मिक्सचर हमने पोर कर दिया है। तो इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। इसके ऊपर हम कटा हुआ बादाम स्प्रिंकल कर रहे हैं। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधे में ही स्प्रिंकल कर रहे हैं और आधे में हम चांदी वरक लगा रहे हैं। आप चाहे तो पूरे में एक साथ स्प्रेड कर सकते हैं ऊपर से। तो इसे थोड़ा सा प्रेस करके हम सेट कर देंगे मिक्सचर में। तो इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे रूम टेम्परेचर पर। जब ये आ जाएगा तब हम इसमें ऊपर से चांदी वरक लगाएंगे। तो बर्फ़ी या रूम टेम्परेचर में आ चुका है, इसके ऊपर अब हम चांदी का वरक लगाएंगे। तो आप अपने पसंद से डेकोरेट कर सकते हैं इसे। तो अब हम इसमें निशान लगाएंगे बर्फ़ी का, नहीं तो यह ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा तो फिर निशान लगने में परेशानी होगी। तो पहले हम इसे निशान लगा लेते हैं, फिर हम इसे अच्छे से सेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास वक्त हो तो आप 3 से 4 घंटा फ्रिज के बाहर इसे रहने दें। अगर वक्त ना हो तो आप इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटा रख सकते हैं। तो हमने इसे फ्रिज में रखा था 1 से 2 घंटे तक। तो निशान लगा कर हम इसे अच्छे से सेट होने के लिए रख देंगे। तो 1 से 2 घंटे हो चुका है, बर्फ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। तो हमने इसे फ्रिज में रखा था। तो बर्फ़ी का अब हम करेंगे प्लेटिंग, लेकिन पहले जो साइड्स का इसका जो पार्ट्स है इसे हम पहले अलग कर लेते हैं निकाल के। तो बर्फ़ी भी अच्छे से सेट हो गई, अच्छे से जमा है बर्फ़ी, आराम से टूट भी रहा है। तो बस इसे हम निकाल के एक प्लेट में प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा दिवाली स्पेशल बेसन की बर्फ़ी, एकदम बिल्कुल हलवाई स्टाइल है। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, इजी रेसिपी है और लेकिन इसका स्वाद बहुत ही मज़े का है। तो आप इस फेस्टिवल इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बेसन की बर्फ़ी का जो आसानी से बन जाता है, तरह तरह की मिठाई तो चाहिए होता है, तो आप इसे भी अपने त्यौहार में ज़रूर से शामिल कीजिएगा।
आप जैसे कि देख सकते हैं कि आराम से ये टूट रहा है बेसन की बर्फी। तो ट्राई करना तो बनता है ना, तो इस बर्फी को आप बना के हफ्तों तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करना इस त्यौहार। और अगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर से दबाना ताकि आपको हमारी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम मिलते हैं अपनी अगली रसोई में फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।